नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल न्यूज 24 में। रोहतास जिले से विभिन्न प्रखंडों से रिपोर्टरों की रिपोर्ट। द डिवाइन पब्लिक स्कूल की साक्षी कुमारी बनी विद्यालय टॉपर। विक्रमगंज प्रखंड क्षेत्र के 10वीं का परिणाम आते ही छात्र छात्राओं का चेहरे खिल गए तो विद्यालय के प्रबंधक भी विद्यालय के प्रदर्शन से खुश दिखे। द डिवाइन पब्लिक स्कूल के कुल 216 बच्चों में से 210 बच्चे पास हैं, जिसमें साक्षी कुमारी ने 95.40 अंक लाकर विद्यालय टॉपर होने का खिताब हासिल किया। 150 लोगों के लिए गए कोरोना सैंपल। तिलौथू प्रखंड के विभिन्न गांवों से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 150 लोगों के कोरोना जांच के लिए सैंपल लिए हैं। प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मतीउर रहमान ताज ने बताया कि तिलौथू प्रखंड के महाराजगंज, चंदनपुरा, तिलौथू पूर्वी, बदोखरा, मिर्जापुर व अन्य पंचायतों से 150 लोगों के कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए हैं। जाँच टीम में लैब टेक्नीशियन प्रकाश कुमार उपाध्याय, डॉक्टर प्रभात कुमार, दिलीप पाठक, एसटीए। विक्रमगंज के धारूपुर गांव में एक व्यक्ति को दो जगह कोरोना जांच रिपोर्ट में आया पॉजिटिव, एक में निगेटिव। विक्रमगंज के एक युवक से दो बार कराए गए कोरोना जांच में दो तरह की रिपोर्ट आने से असमंजस में परिजन पड़े हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना जांच के लिए पटना से आई टीम को 3 जुलाई को नमूना दिया गया था, जिसमें 12 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। उक्त रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करते हुए उन्होंने अपना जांच पुनः NMCH जमुहार में 13 जुलाई को रात्रि 8 बजे कराया। जांच में उक्त युवक का कोरोना वायरस का लक्षण नहीं पाए जाने की पुष्टि चिकित्सकों ने किया। एक युवक की दो बार लिए गए नमूना में दो तरह के परिणाम आने से जांच पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि सवाल उठना भी लाजमी है। सासाराम दरीगांव थाना इलाके में स्थित मांजर कुंड जाकर पिकनिक मनाने पर पुलिस ने रोक लगा दी। गौरतलब है कि पिछले दिनों मांजर कुंड में 3 युवकों के डूबने से मौत हो गई थी। इस संबंध में दरीगांव थाना अध्यक्ष ने बताया कि लगातार हो रही बारिश के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में पानी का बहाव अधिक तेज हो गया है, लिहाजा पानी कम होने के बाद ही सैलानियों को मांजर कुंड जाने की इजाजत दी जाएगी। सासाराम के शिवम पटना जोन के CBSE बोर्ड की परीक्षा में टॉप 10 में जगह बनाए हैं। शिवम ने 99% लाकर सूबे में 5वां स्थान हासिल किया है। इसे लेकर शिवम ने अपनी सफलता का राज बताते हुए कहा कि लगातार पढ़ाई करने के कारण ही वह आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, क्योंकि बिना रुके ही कामयाबी हासिल की जा सकती है। रोहतास जिले में झमाझम हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जाहिर है कि इस बार धान की अच्छी फसल होने की कायस लगाई जा रही है। गौरतलब है कि रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। इस बार लगातार बारिश होने से किसानों के खेतों में 4 चांद लग गया है, जिससे किसान अच्छी फसल की उम्मीद करने लगे हैं। सासाराम में COVID-19 के कारण ई कोर्ट के जरिए दिव्यांगों के शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण सभी आवागमन और कोर्ट को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद ई कोर्ट के जरिए दिव्यांगों की शिकायत सुनकर उसका त्वरित निपटारा किया जाएगा। सासाराम के टोल प्लाजा पर रोक के बावजूद भी 50 टन से अधिक क्षमता वाले ट्रक पास हो रहे हैं। ऐसे में नेशनल हाईवे 2 को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि नेशनल हाईवे 2 के सासाराम के टोल प्लाजा मैनेजर ने टोल प्लाजा से 50 टन से अधिक भार वाले ट्रकों पर रोक लगा दी थी। आज से लगने वाले लॉकडाउन में सासाराम रेलवे स्टेशन और कई जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कोरोना वायरस के कारण बिहार में पुनः लॉकडाउन लगाया गया है।